हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ट्रेड ट्विस्ट। मैंने आज ही मेरा पहला वीडियो अपलोड किया था स्टॉक मार्केट के बारे में, जो कि गाइडलाइंस थी बिगिनर्स के लिए। मैंने उसमें आईपीओ के बारे में भी बताया था और लास्ट में एक नोट भी कहा था कि अगर आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं तो आप इन्वेस्टमेंट अपने खुद के पैसे से करिए, ना कि किसी बैंक लोन से या किसी से उधार ले के करिए। अपने खुद से पैसे लगाइए और किसी से भी लोन या उधार ना ले। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको एक स्ट्रेटजी के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसका नाम है NR7, नैरोस्ट रेंज 7 करके, जहाँ पे आपको 7 कैंडल्स जो वीक की रहती है वो आपको नज़र रखनी पड़ती है। अगर 8वीं कैंडल 7वें कैंडल से ऊपर या नीचे आती है तो आपको समझ जाना है कि वो शेयर का अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड शुरू होने वाला है। तो एक एग्जाम्पल के लिए मैंने खुद ट्रेड किया वो स्टॉक जिसका नाम है आरती इंडस्ट्रीज करके, वो मैंने अपने ट्रेडिंग व्यू के अकाउंट में लेके रखा है। आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे कोई भी इंडिकेटर्स या कुछ ऐड नहीं किया। एक सिंपल सी स्ट्रेटजी है, आपको हाई कैन ऐसे कैंडल स्टिक यूज़ करके आपको इसमें पैसे कमाना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये मेरी पहली कैंडल है, सेकेंड कैंडल है, थर्ड कैंडल, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स और सेवेंथ। ये 7 कैंडल जो है वो 6 कैंडल के ऊपर ही बनी है और आपको उसके आगे वाले कैंडल का यूज वेट करना है, जो कि ये जो लंबी लाइन दिख रही है ये, तो आप इस कैंडल पे एंट्री ले सकते हो। जैसे कि आप, मैं बोलो एंड ऑफ द डे आप 941 को आप अगर एंट्री लेते हो और होल्ड करते हो एक या दो दिन, तो आपका शेयर का प्राइस आपको 986 तक जाएगा। ये जो स्ट्रैटेजी है स्विंग ट्रेडिंग के लिए बहुत बढ़िया स्ट्रैटेजी है। आप ये नैरो NR7 स्ट्रैटेजी यूज़ करके वीक में अराउंड 10,000 to 15,000 ईजीली कमा सकते हो। और जो दूसरा स्टॉक मैंने आपको मेरे सामने रखा है उसका नाम है अनुपम रसायन इंडिया लिमिटेड। इसमें भी सेम स्ट्रैटेजी मैंने यूज़ की थी। अभी देखिए यहाँ पे जो दिख रही है ये रेड डॉजी, उसके बाद में मैंने 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ये 7 कैंडल्स के बाद में जो आखिरी जो बाद में 8वीं कैंडल आई है वो इस दोनों के एवरेज के ऊपर ही आई है। तो अगर आप यहाँ पे एंट्री लेते हो 788 के आसपास, तो आपको दो दिन में अराउंड 847 मतलब 788 से लेके 847 अराउंड 60 रुपीज़ का प्रॉफिट पर शेयर होता है। तो आप ये स्ट्रैटेजी यूज़ करके के पर शेयर 60 रुपीज़ यहाँ पे आराम से कमा लेते। अगर आप 100 शेयर भी लेते तो आपका यहाँ पे 6,000 रुपीज़ प्रॉफिट विद इन 2 या 3 दिन में हो जाता। तो मैं वही आपको बोल रहा हूँ कि ये स्ट्रैटेजी एकदम सिंपल है, आपको इसमें कोई इंडिकेटर्स नहीं लगाना है, मूविंग एवरेज नहीं लगाना है, कोई भी दूसरा वॉल्यूम का चार्ट कुछ नहीं। आपको खाली देखना है कि ये 7 डेज का कैंडल में 8 कैंडल अगर 7 डेज के ऊपर ओपन होती है तो वो शेयर का अप ट्रेंड चालू हो गया है और आपको कभी बेचना है या कभी रखना है ये आपके ऊपर है। आपको अगर पर शेयर 50 रुपीज़ भी मिल रहा है तो भी आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो, या 60 रुपीज़ भी मिल रहा है तो भी आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो। लेकिन ये स्ट्रैटेजी मेरे लिए एकदम बेस्ट वर्कआउट होती है। आप चाहिए तो बैक टेस्ट करके भी देख सकते हो। हाँ, 99% ये स्ट्रैटेजी आपके लिए वर्क होगी। कभी कभी शेयर्स में भी कुछ न्यूज़ रहती है या कुछ बोलते हैं उनका रिजल्ट अच्छा नहीं होता, वो टाइम पे शेयर्स के अप ट्रेंड और बैक ट्रेंड के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन मोस्टली 99% ये स्ट्रैटेजी NR7 वर्क होती ही होती है। आप चाहे तो कोई और स्टॉक पे भी आप ये आजमा सकते हो। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मेरा अगला वीडियो आने तक वेट कीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा रहेगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू दोस्तों।